बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? आज वीडियो बनाने लगा हूँ जी कि बेस्ट कस्टमर सर्विस क्या है। ऐसी कस्टमर सर्विस जिससे आपकी लीड्स भी आएंगी, आपकी सेल्स भी जनरेट आएंगी, आपकी बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी एक्सपेंशन भी होगी और आप वैल्यू ऐड करेंगे और कंपनी वाले कहेंगे वाह 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 क्या बंदा है यार ये। देखें, थोड़ा सा समझिए इस बात को, कस्टमर सर्विस समझिए इस चीज़ को। कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देनी है, ठीक है? सर्विस जितनी अच्छी है कस्टमर रिपीटेडली वापस आएगा, सर्विस जितनी बुरी है कस्टमर वापस नहीं आएगा। कस्टमर सर्विस का मतलब है फॉलो अप्स। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर मेरे पास आया, ठीक है, वेब के थ्रू आया, ठीक है, उसने अपनी क्यूरी डाली, मैंने फौरन उसे ईमेल कर दी या मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, मैंने कॉल कर दिया, एसएमएस कर दिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया। उसके माइंड में पोजीशनिंग सेट होगी कि यार ये बंदे बहुत जबरदस्त है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर मैंने उसका इशू रिजॉल्व करवा दिया तो उसके माइंड में पक्की सेट होगी पोजीशनिंग, यार ये कंपनी दी बेस्ट है, इन्होंने मेरा इशू भी रिजॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास ही आएगा और नेक्स्ट टाइम वो मेरा ब्रांड एडवोकेट बन जाएगा, दूसरे लोगों को जाकर मेरी कंपनी की मार्केटिंग करेगा इवन दो मैं उसे पे नहीं कर रहा। ये है आपकी कस्टमर सर्विस। मेरे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं लेकिन मेजोरिटी एग्जांपल्स जो है वो बाहर की हैं, मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस की हैं। पाकिस्तानी एग्जांपल्स भी हैं, उबर की है, करीम की है, स्काइप की है, गूगल की है, आपकी कोर्सेयर की है, ठीक है, इंटरनेशनल पाकिस्तानी बहुत एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इन्होंने वन गो में मेरे इशू रिजॉल्व कर दिया, जो कि सिर्फ मैंने इन्हें कॉल भी नहीं की हुई थी, मैंने सिर्फ लाइव चैट किया था, लाइव चैट पे मेरे इशू रिजॉल्व करवा दिया। देखिए, जितना अच्छा फॉलोअप करते हैं ना कस्टमर के साथ आप, मैं मानता हूँ जी आप ऐसा फॉलोअप रखेंगे, कस्टमर ने आपको क्यूरी डाली, जब तक उसका मसला हल नहीं होता उसे पिंग करते रहिए, उसे कॉल करते रहिए, उसे पूछते रहिए, फॉलोअप लेते रहिए, जब तक वो ये नहीं कहें यार कितने फॉलोअप करता है, ये वर्ड सुन लीजिए तो शायद वो कस्टमर आपका लॉक हो गया, वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप यू गिविंग हिम द बेस्ट सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस की वजह से आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ती है, ठीक है जी। खाली कस्टमर को चीज़ बेचना नहीं है, वन टाइम बेचना होता है, वो आपका एक पेरेटो रूल है ना 80-20, ठीक है, आपकी 80% सेल्स आपके 20% एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की वजह से आती है, तो उन 20% उन 20% एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हैप्पी करेंगे तो 80% आपका बिजनेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम नहीं, वन टाइम कस्टमर नहीं बनाना, कंज्यूमर बनाना है, यानी कि जो बार बार आपकी चीज़ परचेज करें, दैट वॉट्स अ गुड कंज्यूमर इज, ठीक है। तो फोकस कीजिए कस्टमर बनाने पे, नहीं कंज्यूमर बनाने पे। और किसी भी कस्टमर की क्यूरी है तो कभी उसे वेट ना कराइए। मुझे मतलब मैं नॉर्मली मुझे अगर मैं ऑन एवरेज पे मैं बात करूँ ना तो मुझे डेली बेस पे 10 ईमेल आती हैं, 10 मुझे व्हाट्सएप के लगा लीजिए मैसेजेस वगैरह आते हैं, 10 मुझे कॉल्स आती हैं। ये मैं मिनिमल बात करूँगा, सबसे कम से कम भी अगर मैं कहूँ ना एक दिन में, तो मैं ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो अराउंड 900 क्यूरीज विद इन अ मंथ मुझे आती हैं, ईमेल्स पे आ रही हैं, सोशल चैनल्स पे आ रही हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आ रही हैं, कॉल्स पे आ रही हैं, एसएमएस पे आ रही हैं, मैं डेली बेस पे उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। 900 बंदे को मैं विद इन अ मंथ रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं ऑनलाइन सेल्स भी जनरेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार इस बंदे को अप्रोच किया तो ये इशू रिजॉल्व करवा के ही उठेगा, तब तक ये नहीं उठेगा, ये फॉलोअप आपने रखा है। मेरी मैनेजमेंट को भी पता है यार कि ऐसे कोई काम दे दिया ना तो यार जब तक ये मसला हल नहीं हो जाएगा ना, करवा नहीं देगा, तब तक ये उठेगा नहीं, तो उनके माइंड में भी पोजीशनिंग सेट है, मेरे कस्टमर्स के माइंड में भी पोजीशनिंग सेट है कि उमर भाई से ही करवाना है हल, वो मसला हल करवा देंगे। एंड यही चीज़ें मैं आगे डेलीगेट करूँ अपने एम्प्लॉयज़ में कि यार इस तरह की कस्टमर सर्विस रखो। अनफॉर्चुनेटली हमें लोग कॉल करते हैं, हम तब भी उनका इशू नहीं रिजॉल्व कर पाते, बाहर गुरुओं को मैं सिर्फ अपना लाइव चैट पे अपना क्यूरी डालता हूँ, वो उसी वक्त लाइव चैट पे मेरी क्यूरी हल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस बहुत जबरदस्त है। वो देखें जी, हम तो मुसलमान हैं, हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान से अच्छे अखलाक से बात करो और जब तक उसका मसला हल ना हो जाए उसके लिए पेन लो, एफर्ट लो। तो हमें तो कस्टमर सर्विस का हमारे नबी ने खुद बता दिया हुआ है कि ये है कस्टमर सर्विस, और हम लोग क्या कह रहे हैं? अगर अच्छा अखलाक हमें देखे, हमें इस्लाम ने कहा अच्छा अखलाक ना, हर कस्टमर से अच्छे तरीके से बात कीजिए, उसे फील कराइए कि आप उसके बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अल्टीमेटली आपका कस्टमर लॉक हो जाएगा। फॉलोअप लीजिए, पेन लीजिए कस्टमर के लिए कि क्या उसका मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ, हल हो गया तो दोबारा फीडबैक लीजिए, रिमार्क्स लीजिए, वो आपको अच्छे रिमार्क्स देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, उसके माइंड में भी आएगा यार कितनी अच्छी कंपनी है, मेरा मसला हल भी हो गया फिर भी मुझे पूछ रहा है, तो उसके माइंड में आपकी पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो दिस इज वॉट अ ट्रू कस्टमर सर्विस इज एंड दिस इज हाउ कस्टमर सर्विस आपको सेल्स ला के देता है, बिजनेस जनरेट करता है, आपकी वैल्यू ऐड करता है। अगर आप इन लाइन्स पे फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप कैसे सेल्स जनरेट कर सकते हैं? सेल्स जो है ना वो कन्वेंशनल सेल्स नहीं रहेंगे। बिलबोर्ड वो वाली कंपनी लगा सकती है जिसका टर्नओवर 400-500 करोड़ है जी,
कोक पेप्सी वो बिलबोर्ड्स लगा सकते हैं, छोटी मोटी कंपनीज नहीं लगा सकते, टीवी एड सारी कंपनीज नहीं चला सकते, अखबार में एड सारी कंपनीज नहीं दे सकते, ठीक है। बट अगर किसी के कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है तो वो आपको रिकरिंग कस्टमर्स खुद ही ला देगा। मेरे केस में मैं सर्विस बहुत अच्छी देता हूँ कस्टमर को, दैट इज़ वाई रिकरिंग कस्टमर्स आ जाते हैं, इनफैक्ट न्यू कस्टमर्स भी आ जाते हैं। मेरा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाने का मकसद भी है कि आप लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए डेलीगेट करो, जो चीज़ मेरे पास है मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यानी चीज़ें सिंप्लीमेंट करो, रिजल्ट्स आएंगे, ना आए तो मुझे बताइए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ट्रू कस्टमर सर्विस इज, जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। जितने स्टार्टअप्स हैं उनको ये समझा दीजिए और उनको ये समझना चाहिए कि कस्टमर सर्विस के बगैर आपकी सेल्स नहीं होने वाली। ऐसे जितनी मर्जी अच्छी कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग जितनी अच्छी मर्जी कर लें, कंटेंट जितना मर्जी अच्छा बना लें, ईमेल मार्केटिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लें, पेड एडवर्टाइजिंग जितनी मर्जी कर लीजिए, अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर बिक भी गया तो दोबारा नहीं बिकेगा अगर सर्विस अच्छी नहीं है। तो सर्विस पे फोकस कीजिए, सर्विस इतनी बेहतर कीजिए, इतनी बेहतर कीजिए कि कस्टमर खुद लौट के वापस आपके पास आए। एंड आई ऑलवेज से कि जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्गर टर्म में रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक्स मुझे ज़रूर बताया करें जी, जो जो टॉपिक आप मुझे बताते हैं उसमें फ्रीक्वेंट में वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। और माह रमज़ान आपको जी बहुत मुबारक हो, ये हमारा रमज़ान का सेकंड एक्स्ट्रा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दें और हम सबको सिरात अल मुस्तकीम पर चलेंगे, तौफीक अता फरमाएं। बिलखसूस बिलखसूस हमारी जो यूथ है वो एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करें और जो भी उन्होंने अपने गोल्स वगैरह कैरियर वगैरह सेट किए हैं उनको अपना जैसे कहना फुलफिल कर सके, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू।